हेलो स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमको क्या दे रखा है? प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोस एक ए माइनस वन अपॉन कोस एक ए प्लस वन। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख ले दिया हमने, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है, कोस ए के माइनस वन डिवाइडेड बाय कोस ए के प्लस वन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से जो इसका एल एच एस है वो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एल एच एस। इसमें हमको क्या दे रखा है, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोस ए। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, कोट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और माइनस कोस ए का हमने वैसे के वैसा लिख लिया इसको, डिवाइडेड बाय कोट ए को यहाँ पे भी हमने वही लिखा, कोस ए अपॉन साइन ए, और प्लस में कोस ए को हमने वैसा के वैसा यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोस अपॉन साइन माइनस कोस है, तो कोस और कोस हम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, हम वन सपोज जैसे करते हैं तो कोस कोस ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से कोस ए को कॉमन निकाला। देखिए बचा क्या, यहाँ से ऊपर से तो वन बचा, और नीचे क्या है हमारे पास, साइन है, और माइनस में क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने कोस से तो बाहर निकाल लिया, तो बचेगा हमारे पास वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम थिंग, यहाँ पे भी हमने कोस ए को बाहर कॉमन निकाल लिया, बचा क्या यहाँ से वन अपॉन साइन है, और प्लस में यहाँ से भी बचेगा हमारे पास वन, क्योंकि कोस ए हमारा बाहर आ चुका है। अब देखिए तो कोस ए से तो कोस ए कैंसिल, बचेगा हमारे पास वन अपॉन साइन है माइनस वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन साइन है और प्लस में वन। तो देखिए वन अपॉन साइन है की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए का फॉर्मूला होता है कोसेक ए माइनस में वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन साइन ए का फॉर्मूला, यहाँ पे भी वही सेम कोसेक ए और यहाँ पे प्लस में वन। यदि हम देखते हैं ऊपर, देखिए हमको कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन ही लेके आना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है हमारा प्रूव्ड, आंसर प्रूव्ड।